दोस्तों, क्या आपको पता है सार्क की फाउंडेशन कब हुई? दोस्तों, क्या आपको पता है वो कौन सा एम्परर था जिसने जजिया हिंदुस्तान में ख़त्म किया? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप देखें, चेक करें। तो पहला क्वेश्चन है, अमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज? ऑप्शंस बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या मालदीव्स। इन में से सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन है सारे कंट्रीज़ में? और आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं, जब तक मैं आपको सार्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो बुनियाद डाली गई यानी फाउंडिंग डेट है वो है 8 दिसंबर 1985। इसकी जो फाउंडिंग प्लेस है वो है ढाका और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू, काठमांडू नेपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एमंग सार्क कंट्रीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कम इनटू एग्जिस्टेंस या कम इनटू फोर्स। आपको बताना है ये ट्रीटी कब लाई गई, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जल्दी से टाइप करें अपना आंसर, आपके पास ऑप्शन है। कब आई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कब एग्जिस्टेंस में आई? ऑप्शन है 1970, 1971 या 1974। तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बताऊं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में। ये एक ऐसी ट्रीटी थी, ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसका एम था न्यूक्लियर वेपन्स की सेपरेट को रोकना, न्यूक्लियर वेपन्स की सेपरेट को रोकना। तो इसके लिए बहुत से ममालिक आगे आए, उन्होंने ट्रीटी एक एग्रीमेंट की या साइन की। जल्दी से आंसर बताएँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी इसका सही आंसर है, यानी 1970 इसका सही आंसर है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1970। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूएन जनरल असेंबली इस्टेब्लिश यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो कब ये इस्टेब्लिश की गई? तो आप जल्दी से अपना अपना आंसर दें, मैं ऑप्शंस बताता हूँ। 1986, 1966, 1967, 1965। कब लाई गई या कब इस्टेब्लिश की गई यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम था जो ममालिक होते हैं उनमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए, ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, पॉवर्टी को कम किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए जिसे पॉवर्टी कम हो जाए। तो कब लाई गई ये यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी से आंसर टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी यानी 1966। इसकी जो फाउंडेशन डेट है वो है असल में 17 नवंबर 1966। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाइना, ऑस्ट्रिया में। इसका जो एब्रीवेशन है वो है UNIDO या आप इसको यूनिडो भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड इन अनरिप्रेजेंटेड नेशंस आर पीपल ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे ममालिक ने बनाई है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन मुल्कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है और इसको बनाया गया था 11 फरवरी 1991 को ह्यूग नीदरलैंड में। तो आपको बताना है कितने ममालिक हैं उसमें। ऑप्शंस है आपके पास 54, 53, 58 या 59। जल्दी से आंसर दें। इसका जो सही आंसर है वो है 53। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन, आपको बताना है कहाँ पर है हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हैं आपके पास पेरिस, रोम, मैड्रिड, वॉशिंगटन। शबाश, जल्दी से आंसर दें कमेंट सेक्शन में, अपनी नॉलेज को बूस्ट करें। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुल अभी 130 मेंबर कंट्रीज हैं, 130 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसकी फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 को हुई। शबाश, जल्दी आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, ये है रोम, इटली, रोम में इसका हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।